छाजा रेफरल हॉस्पिटल के इंचार्ज राज साहब जुड़ रहे हैं, मेरे से जानना चाहता हूँ सर क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है आपके यहाँ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभी आगामी कुछ ही दिनों में होली आने वाले हैं जी। उसमें जो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे देश राज्य में गए हैं या देश में गए हैं अपने परिवार के लिए कुछ कमाने के लिए, वो आएंगे यहाँ, तो पहले तो बच्चा 3 साल के अंतराल पर हो या गर्भधारण हो तो यहाँ आवे, जांच करे वाइफ हस्बैंड दोनों के लिए जी। और ये नियंत्रण पखवाड़ा चल रहा है, परिवार नियंत्रण पखवाड़ा। अच्छा, उसमें सबसे पहली यहाँ विभिन्न प्रकार की सेवा दी जाती है स्वास्थ्य विभाग से, जिसमें आपको सबसे पहला है, अपने लोग सुने हुईगा, पहले से ही कार्यक्रम है, सब जानता है ये, पहले कंडोम यूज करना चाहिए जो फ्री में सब दी जाती है, बॉक्स लगा है कंडोम बॉक्स। अच्छा। रेलवे स्टेशन पर, मेरे HSC में, हॉस्पिटल में, रेफरल हॉस्पिटल में, सब विभिन्न प्रकार के साधन हैं। उसके बाद माला डी आया, माला एन आया, नया वर्जन आया आपको इधर छाया अंतरा। अच्छा। समझे, जो एक छाया अंतरा के बारे में अशोक जी केयर से हैं ये दोनों, ये बताएंगे चूंकि कहीं भूल गए। हाँ, ये जो सारी सुविधाएं सर, ये सारी सुविधा मुफ्त है सरकार के द्वारा प्रायोजित है, और अस्थायी सुविधा सबसे है जो ऑपरेशन है सोमवार को भी होता है और बीपीए को भी। कल जैसे सोमवार था, 25 को ऑपरेशन आपको आपके संस्था में यहाँ हुआ है, ये अस्थायी में आता है। कुछ सर लोगों को अनुग्रह राशि भी दी जाती है क्या? अनुग्रह राशि दी जाती है, 2000 रुपया बेनिफिशियरी को, माता को दी जाती है खाने पीने के लिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए। थैंक यू सर। जानकारी चाहिए, जो महिला बंध्याकरण है और पुरुष नसबंदी, दोनों में क्या अंतर है, ज्यादा सुविधाजनक कौन सा ऑपरेशन है? सबसे ज्यादा सुविधाजनक आपको पुरुष नसबंदी है जी। उसमें आप चलते आइएगा, चलते 2 मिनट बिना एनेस्थेसिया का काम हो जाएगा जी जी जी। और पुरुष महिला में, पुरुष हुआ महिला में, उसको एनेस्थेसिया देना पड़ेगा, उसको हमको काटना पड़ेगा ट्यूब, उसमें टाइम लगता है, कम से कम हम अपने अंदर में उसको 24 घंटा रखेंगे तबे छोड़ सकते हैं जी जी। और पुरुष नसबंदी बहुत कम है, जबकि अपने लोग को रोटी कौन बनाती है, माँ बहन घर में महिला लोग, तो उनको थोड़ा कष्ट होता है, उनको नहीं देखा। अगर पुरुष सब आगे आए आप लोग के प्रेस वाले माध्यम के द्वारा, ये बहुत हमको आनंद आएगा और ये समाज में बात जाएगा, तो पुरुष महिला को एक दर्द से नहीं गुजारना पड़ेगा जी, और जी, संख्या भी बढ़ जाएगी। सारा त्याग महिला ही क्यों करे, पुरुष को भी आगे आना चाहिए, उसको भी आना चाहिए। केवल एक अभी तक हुआ इस साल में जी जी, पुरुष नसबंदी वो भी 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हुआ है फर्स्ट बार जिला में, एक हम खाता खोले। थैंक यू। अशोक कुमार चौधरी केयर इंडिया से जुड़ रहे हैं, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है आपका अशोक जी? अभी हम लोग को अभी कम्युनिटी अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि आशा दीदी को हम लोग ट्रेनिंग देंगे, और जो प्रवासी जो आपको बाहर रहते हैं, जो घर आने वाली है, उन लोग को घर आशा दीदी लोग जाएगी और उनको समझाए कि परिवार नियोजन का क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या साधन उन लोग के पास उपलब्ध है और कौन सा साधन उन लोग को अपनाने में उसका फ़ायदा होगा। जैसे कि हम लोग को जानकारी है, छोटा परिवार खुश परिवार और 2 बच्चे के बीच में 3 साल का अंतराल होना चाहिए, अंतराल का फ़ायदा क्या होगा वो भी आशा दीदी जाकर समझाएगी सारे परिवार को।